एक मध्य प्रदेश के भिंड में चोरी करने का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को ईमानदार चोर बताते हुए वहां पर एक लेटर छोड़ा और लिखा कि मैंने दोस्त की मदद के लिए चोरी की है, अगर मैं ये नहीं करता तो उसकी जान चली जाती, चिंता मत करना, पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर पैसे फेंक जाऊंगा। दरअसल भिंड के भीमनगर इलाके में एक सुने घर में चोरी की वारदात हुई। महिला ने आकर देखा कि उसके घर में चोरी हुई है, जिस पर कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस को एक लेटर घर में मिला, जिसमें चोर ने अपने आप को धूम तीन के आमिर खान की तरह ईमानदार चोर बताते हुए लिखा, सॉरी दोस्त, मजबूरी में चोरी कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आते ही मैं तुम्हारे घर पैसे फेंक जाऊंगा, अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मेरे दोस्त की जान चली जाती। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरी करने वाले राहुल जाटव को महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह ईमानदार चोर है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए चोरी की है। उसने कहा कि वह ईमानदार है, इसलिए उसने यह लेटर लिखकर छोड़ा। फिलहाल पुलिस चोरी का सामान बरामद करने की कोशिश में जुटी हुई है। न्यूज रूम के लिए अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। मैंने ये सोच के लिखा हुआ था कि बहुत से चोर होते हैं, मतलब गंदे चोर होते हैं, वो ले गए और भाड़ में जाए वो, लेकिन लेकिन मेरे दिल ने कहा कि अभी ये लिख के जाते हैं, इतना माल मैं निकल लेके जा रहा हूँ तो मैं बाद में अपने मकसद में कामयाब हो गया, वहाँ जाके अच्छे मतलब बिजनेस चालू हो गया, तो मैं उससे डबल इनको गेट खटखटा के और मुंह बांध के आऊंगा और इनके ऊपर वो सारे पैसे जेवरात चोरा चांदी सब फेंक के निकल लूंगा। धूम थ्री में वो अच्छा था, आमिर खान गरीबों को बांट देता था, मैं खुद नहीं खाता था उससे। आमिर खान से प्रभावित थे ना, तो ये चोरी मैंने अपने लिए दूसरे के लिए। ये भीमनगर निवासी है रीमा मोर, जो 30/6 से अपने घर से शादी में चली गई थी और 5/7 को लौट के आई थी, तो उनके घर में एक चोरी हुई है, उसमें उसके साथ में एक चोर द्वारा एक लेटर हाथ से लिखा गया है, वो भी उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि मजबूरी थी इसलिए चोरी की गई है और पैसा आते ही पैसा तुम्हारे घर में फेंक जाऊँगा, धूम थ्री, इस तरह से कुछ शब्द उस लेटर में लिखे गए हैं और उसी लेटर के माध्यम से अब चोर का पता लगा।